सोचो बियर इतने बढ़िया बढ़िया काम भी करवा लेती है। मैं दारू प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो पीते हैं वही पियो, अपने हिसाब से पियो, लिमिट में पियो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू छेका। चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डोंट वेट, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे बढ़िया से दारू वाले वीडियो देखने के लिए। जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं मिलर एस का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बियर है। इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद भी दिला दूं कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक बढ़िया सा फैक्ट रिलेटेड टू दारू, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड अल्कोहल। तो वो सुन के पूरा वीडियो देख के फिर जाइएगा। अब अगर बात करें मिलर की, तो मिलर जो है उसके बारे में मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दी है मिलर हाई लाइफ का, जब मैंने रिव्यू किया था तब। आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसका वीडियो देख लेना, ये वीडियो देख लो, उसके बाद में मिलर से रिलेटेड जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मिलर एस की, जो कि एक अमेरिकन स्टाइल स्ट्रॉन्ग बियर है, मिलर की एक स्ट्रॉन्ग बियर है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग बियर है, नॉट एक्सीडिंग 8% के अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है। 195 की ये बियर है, 195 रुपये फॉर 500 ml कैन, 195 रुपीज फॉर 500 ml कैन, मुंबई महाराष्ट्र। और ये जो आती है ये मॉल्सन कूर्स से आती है। मॉल्सन कूर्स की अगर बात करी जाए तो वो एक और बियर भी बनाते हैं, जो कि है ब्लू मून, उसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो भी देख लेना। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो इसके अंदर यूज किए गए हैं इंपोर्टेड बाले मॉल्ट्स, उसके साथ साथ में इंपोर्टेड हॉप्स और बाकी सारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यूज किए गए हैं, लाइक वाटर, CO2, ईस्ट, इसके अंदर राइस भी यूज किए गए हैं। तो या लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, जी नहीं, यही सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर यूज किए गए हैं। तो चलो अब इसे ओपन कर लेते हैं। कैन की बात करूं तो मिलर की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी, इन्होंने अपने कैंस पे काफी काम किया हुआ यार। मिलर का जो हाई लाइफ का कैन था वो भी मुझे काफी अच्छा लगा था, उसकी जो डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। और अगर इसकी भी बात करूं तो अच्छा है, एस दिया हुआ है इक्का, और इक्के जैसी अच्छी खासी ब्रांडिंग की हुई है कैन के ऊपर, और कलर्स वगैरह जो है वो अच्छे चूज किए गए हैं, सो आई लाइक दैट। करते हैं पोर, और वही मेरी फेवरेट आवाज जिसको सुन के बड़ा मजा आता है, लाला। तो बियर जो है वो तो हो चुकी है पोर, और कलर की बात करी जाए तो डार्क कलर है, नॉट लाइट, आई वुड से लाइट गोल्डन कलर नहीं है, थोड़ा डार्क गोल्डन कलर है। कार्बोनेशन अच्छा खासा कार्बोनेशन है। हेड फिलहाल तो है, विल सी कितना रिटेन करता है। तब तक हम करते हैं नोजिंग, लेते हैं इसका अरोमा। एक स्ट्रॉन्ग बियर है, लेकिन इसके नोट्स जो है वो काफी सूदिंग नोट्स हैं, बहुत ही हल्के से नोट्स आ रहे हैं मुझे। आई एम गेटिंग बिट ऑफ सिट्रस, जो यूजुअली आपको एक लागर बियर से आता है, उसके साथ साथ में आई एम गेटिंग बिट ऑफ मॉल्ट्स। हॉप्स, या सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द नोज। हेड आई वुड से फिलहाल है, लेकिन मैं बियर ऊपर से पोर करता हूँ तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि इतना अच्छा हेड नहीं है। ठीक है, डिसेंट हेड कह सकते हैं आप इसको। चलो अब पीकर देखते हैं। चीयर्स। बढ़िया से मॉल्ट, गुड अमाउंट ऑफ मॉल्ट। आपने अगर हाई लाइफ का रिव्यू नहीं देखा है ना तो आपको देखने की जरूरत है। मिलर आई थिंक एक ऐसी बियर है जो कम कड़वी है। मैंने हाई लाइफ का जब रिव्यू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लोग बियर पीना शुरू करना चाहते हैं ना, जिनको बियर की, जिनके टेस्ट बड्स जो है वो बियर के लिए डेवलप नहीं हुआ और वो करना चाहते हैं, तो मिलर हाई लाइफ से कर सकते हैं, बिकॉज वो इतनी स्मूथ है, लाइक काइंड ऑफ यू नो एक्स्ट्रा माइल्ड, एक्स्ट्रा लाइट बियर की कैटेगरी जैसी
बियर है तो उसके अंदर अल्कोहल परसेंटेज है एक माइल्ड बियर का, फिर भी ये मैंने बोला था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग बियर की बात करूं, एस की बात करूं, तो ये उतनी कड़वी नहीं है जो यूजुअली एक लागर बियर होती है। तो जो अल्कोहल पंच आपको मिलता है एक स्ट्रॉन्ग बियर के अंदर, वो इसके अंदर उतना नहीं है। तो जो लोग एक स्ट्रॉन्ग बियर पीना चाहते हैं, मतलब जिनको नशा स्ट्रॉन्ग बियर का चाहिए लेकिन ज़्यादा कड़वी बियर पीने में मज़ा नहीं आता है, जो वो अल्कोहल पंच है उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो आप बिल्कुल इस बियर को ट्राई कर सकते हो, एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उसके लिए। एक और सिप लेता हूं अगर मुझे और कुछ मिल रहा है इसमें से। हॉपीनेस अच्छी है लेकिन एज आई सेड कड़वाहट नहीं है, ज्यादा बिटरी नहीं है, और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पंच नहीं है जो आपको यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग बियर के अंदर मिलता है। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, बिट ऑफ सिट्रस आई वुड से, माल्ट्स बहुत अच्छे से फील हो रहे हैं फ्रॉम दिस बियर। तो मैं कहूंगा कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बियर है, लेकिन मैंने आपको डिफाइन कर लिया है किन लोगों के लिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बियर है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो लोग माइल्ड बियर पीते हैं जिन क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग बियर के अल्कोहल पंच अच्छा नहीं लगता है, वो ज्यादा कड़वी लगती है, इसलिए वो माइल्ड बियर पीते हैं, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा नशा करना है, 8% की समवेयर अल्कोहल स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप इस बियर के जा सकते हैं। इसकी जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है, वो प्रिटी मच सिमिलर टू आपकी एक रेगुलर माइल्ड बियर की, लागर बियर की जो रहती है उसके जैसी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और जो एकदम ही कड़वा बियर जिसको पीना पसंद है, अल्कोहल पंच चाहिए ही होता है अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बाय वॉल्यूम, 8% के अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में कड़वापन भी चाहिए चाहिए, तो उनके लिए आई वुडंट रिकमेंड दिस। ठीक है जी, तो ये था हमारा मिलर एस का रिव्यू। अब हम बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य की। तो हमारा दारू तथ्य हमें ये बताता है कि नॉर्वे के अंदर एक बार हो गया था एक प्लेन हाईजैक। यूजुअली जब प्लेन होते हैं हाईजैक, तो जो हाईजैकर्स होते हैं वो डिमांड में रैंसम मनी मांगते हैं, कभी बाहर बोल देते हैं टेररिस्ट को आज़ादी दे दो फलाना टीम का, ऑल दीज अलग अलग तरह की डिमांड्स रहती हैं, यूजुअली मॉनेटरी बेनिफिट्स रहते हैं उसके अंदर। लेकिन नॉर्वे के अंदर जो पहली फ्लाइट हाईजैक हुई थी, पहली वो भी पहली जो फ्लाइट हाईजैक हुई थी, उसका नेगोशिएशन हुआ था बियर के साथ में। हाईजैकर को थोड़ी ज्यादा बियर दे दी, हाईजैकर मांग गए, उन्होंने हाईजैक नहीं किया, प्लेन को छोड़ दिया। तो सोचो बियर इतने बढ़िया बढ़िया काम भी करवा लेती है। मैं दारू प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो पीते हैं वही पियो, अपने हिसाब से पियो, लिमिट में पियो, लेकिन पियो। ये था हमारा आज का दारू तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दारू तथ्य पसंद आया होगा। अगर सब कुछ पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में शेयर भी करो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज चेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन चीयर्स।